स्वागत करते हैं मित्रों आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रेलवे भर्ती ग्रुप डी के वो 200 क्वेश्चन साइंस के जो गत वर्ष अन्य एग्जामों में रेलवे भर्ती ग्रुप डी में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में UPSI में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और जो मेरे नए दोस्त हैं जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। आज का ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रेलवे भर्ती ग्रुप डी के 200 क्वेश्चन साइंस पर आधारित है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन ये कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। आंसर हो जाएगा सी। काफी मोटा एम भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे क्या हैं? दोस्तों प्रकाश तरंगे हैं तरंग एवं कण दोनों के समान। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग किरीट भाग दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट। डेसिबल होता है? तो डेसिबल क्या होता है? तो दोस्तों डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक? तो दोस्तों अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आंसर हो जाएगा सी। ग्यारहवां क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु की बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी परमाणु की बृहत्तम कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा कैसे रह जाते हैं? तो ठंडे देशों में झीलों के जम जाने पे भी जलीय जंतु जिंदा इसलिए रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होने के कारण वो जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? तो दोस्तों तेज चिल्लाते समय व्यक्ति अपनी हथेली को मुंह के समीप इसलिए रखता है क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीज का निष्कर्षण मुख्यतः किस अक्ष से होता है? तो मैग्नीज का निष्कर्षण मुख्यतः पाइरोलुसाइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के वेग को दो गुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो सजाती है? तो किसी वस्तु के वेग को दो गुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? दबी हुई स्प्रिंग में स्थिर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पर्ण हरित में क्या पाया जाता है? तो पर्ण हरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किस जड़ता का नियम है? यानी कि गतिमान वस्तु उसी स्थिति में रहेगी जब तक कोई बल उसे रोक ना दे, तो हो जाएगा ये जड़ गति का जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? तो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को कहते हैं प्रणोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो पीतल का बर्तन कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेनचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है? तो वेनचुरी मीटर बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन है जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया है? तो वो है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो वो है कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जड़त्व पर विजय पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं? तो भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल को प्रवाही आसवन के द्वारा पृथक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड किस तरह का लवण है? तो बेरियम क्लोराइड एक सामान्य तरह का लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है? तो मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है? तो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनियम कैल्शियम सिलिकेट मिश्रण कहलाता है सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में होता है? तो खट्टे फलों में होता है साइट्रेटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की इकाई क्या है? तो कार की इकाई है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है? तो वो एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणा माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणा माना जाता है जॉन डाल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो कृंतक का उपयोग होता है सेब को काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी रंग तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो आरएनए का अभिप्राय है रिबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो लोलक का संचलन कहलाता है दोलन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो कुल 78% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग चिकित्सकों की रोगियों की जांच में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया संबंधित है? तो दोस्तों मलेरिया संबंधित है ज्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है? तो वो है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर्रे के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चूना जल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थों को कहते हैं क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण ये बदरंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार किसकी इकाई है? तो बार है जो वायुमंडलीय दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है?
तो ठोस में सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण कहा जाता है उदातिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो सल्फर सल्फाइड परत को बनाने से चांदी बदरंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक होने की वजह क्या है? तो चेचक होने की वजह है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई है? तो दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यस्त मानव अंग क्या है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? तो वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता की इकाई है? तो अनुवांशिकता की इकाई है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की? तो अनुवांशिकता के नियम की खोज की ग्रेगरी मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है पोटेशियम पर मैग्नेट को डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो वह थायराइड ग्रंथि में यह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो समतल दर्पण की नाभिक होती है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में कैफीन विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र होता है? तो दोस्तों मानव मूत्र होता है अंगलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्योजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहां किया जाता है? तो कार्योजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो पलकों के किनारे मोबियमियन ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो मनुष्य की आहार नाल में ग्रसिका ग्रंथि एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो अमाशय की दीवार में ग्रस्टियन एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो रुधिर जो है वो एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप का जहर है? तो सांप का जहर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा की जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो मनुष्य के रक्तचाप को ब्रैकियल धमनी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलस के आविष्कार कौन है? तो कैलकुलस के आविष्कार है आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट्स के नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है? तो उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। 93वां क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं एम्पोल एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? तो एंड्रेनालिन को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का केंद्र स्थित है? तो बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो रेनिन जो कि एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर या रूट
उरु अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस की, यानी कि कान के पास की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन यह है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्त्रावण कहां पर होता है? तो इंसुलिन का स्त्रावण होता है लैंगर हैंस की दीपिका के वी कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो शरीर के ताप की ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो रक्त के शुद्धिकरण का कार्य फेफड़ा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मानसिक क्रियाओं चेतना याददाश्त विवेक बुद्धि पर नियंत्रण कौन करता है? तो प्रमस्तिष्क या शरीरी ब्रह्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं चलना घूमना बोलने पर नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर के सामान्य ऐच्छिक चलना घूमना बोलने पर नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क या सेरिबैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 208 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकोमा एजिगेस्टिम अभिदुप्ता तथा मोतियाबिंदु से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तो वो है आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया तथा हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो लीची का खाने योग्य होता है भाग एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टीबी रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है, टीबी रोग बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DPT का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? देखिए दोस्तों, DPT का टीका इसलिए लगाया, टिप्थोरिया टिटनेस और काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है RBC, यानी कि तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो है आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है ट्रिकोमा पीलिया चेचक खसरा और इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया मलेरिया कालाजार तथा पेचिस की बीमारी किस कारण से होती है? तो पायरिया मलेरिया कालाजार तथा पेचिस की बीमारी होती है परजीवी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटनेस हैजा टाइफाइड निमोनिया थिप्थीरिया तपेदिक तथा क्षय रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, ये जीवाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिनजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मेनिनजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटनेस कोड रैबिस मिर्गी पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों, सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है मार्शल पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल है रैफलेसिया। आपको ये याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा फूल है बुलुफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बीज है लोडोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा बीज है आर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हीमोपैथी के आविष्कार कौन है? तो हीमोपैथी के आविष्कार हैनी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है एनीथियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस, कुकर, खांसी तथा दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ब्रोंकाइटिस, कुकर, खांसी तथा दमा से शरीर का अंग जो होता है प्रभावित होता है वो है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइटर गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0। काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का गर्भाकाल कितना होता है? तो गाय का गर्भाकाल 284 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस का गर्भाकाल कितना होता है? तो 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे का भार कितना होता है? तो गुर्दे का भार होता है लगभग 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 639। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का सबसे कठोर तत्व तो कौन सा होता है? तो एनामिल, यानी कि दांतों के ऊपर एनामिल जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वपनों का अध्ययन कहलाता है अनोरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है अनीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र इकाई क्या होती है? तो वक्र की इकाई होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के रंग का कारण क्या होता है? तो त्वचा के रंग का कारण होता है मेलानिन पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित आयरिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषित जल पीने में से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रदूषित जल पीने से हैजा, पीलिया, टाइफाइड नामक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वागार्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किस वायरस के कारण फैलता है? तो एड्स है जो एचआईवी के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो एचआईवी का पूरा नाम है हार्मोन इम्यूनी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? तो पूरे शरीर में रक्त परिवहन में कुल 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो हृदयघात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है मेरुदंड प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो केमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? तो डायबिटीज मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो सेब का खाने योग्य भाग होता है मांसल या पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपति का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नाशपति का खाने योग्य भाग होता है गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अनुवांशिकता का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सत्य फल कहां से उत्पन्न होता है? तो सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य फल कहां से उत्पन्न होता है? तो असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो एथलीट फुट नामक रोग टेनिया पेडोस नामक कवक फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसे किसके कारण द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारस किस प्रकार की बीमारी है? सारस तो यह एक वायरस जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके कारण होती है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी कुत्ते के काटने पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफोलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच एक एंटीजन है जो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? तो नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया ये सिम्बी के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो ये जल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस प्रकार से रूपांतरित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से कौन सा भाग निकाला जाता है? तो कार्निया निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो ये लाल प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियस जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइजोजीवियस जीवाणु दलहन की जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो वो ग्रंथि इंसुलिन करती है अनग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो वह छोटी आंत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुज पाशर ने, यानी कि रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो वो है ग्रसिका, जिसमें नहीं एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों अभी के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जो मेरे नए दोस्त हैं जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।